को लेकर क्या मांग रख रहे हैं आप लोग? हम लोग जिला अधिवक्ता संघ के जो यहाँ अपना एकमत मतलब यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बिना किसी कार्यकारिणी के मेंबर के बिना मतलब का झूठा आश्वासन दे करके कि कार्यकारिणी का बैठक हुआ वर्चुअल मोड में हुआ, उसका हम लोग विरोध करते हैं और अकेले लिख देते हैं कि क्या नाम है कि अधिवक्ता संघ का निर्णय हुआ कि अधिवक्ता कोई अपने कार्य से विरत रहेंगे। कोई अधिवक्ता अपने कार्य से विरत रहना नहीं चाहता है। स्थिति यह है कि हम कठोर से कठोर इसकी निंदा करते हैं और हम वर्चुअल मोड में अति आवश्यक कार्य को निर्देशित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हम लोग कोविड-19 का नियम को पालन करेंगे और उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। अति आवश्यक कार्य को कम से कम करने का हमको मौका दिया जाए, इसलिए इससे जनता की भलाई है, जज को भी भलाई है और हम सब अधिवक्ताओं की भी भलाई है। मेरा नाम शिव प्रकाश नारायण उर्फ शिवजी राय, पूर्व महासचिव जिला अधिवक्ता संघ बक्सर। देखिए ये जो कोरोना काल चल रहा है, जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है वो अधिवक्ता होते हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो गाइडलाइन बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम लोग कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसका कारण ये है कि बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं, लिटिगेंट हैं, जो बेगुनाह जेल के अंदर सड़ रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति है वो उसका अरेस्टिंग होता है, उसको जो है रिमांड किया जाता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति ही रिमांड करता है, कोई जजेज ही रिमांड करता है, कोई पेशकार ही जो है उस पिटीशन को बढ़ाता है, तो नो अरेस्टिंग पूरे बक्सर जिला में कर दिया जाता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअल कोर्ट को चलाया जाता। हमारे यहाँ स्थिति यह है कि आज तक संघ में कोई मीटिंग नहीं हुई कि कोर्ट जो है स्थगित रहे या कोर्ट जो है चालू किया जाए, और एक आदमी जो है लेटर बना करके और लिख दिया कि नहीं जो है कोर्ट स्थगित कर दिया गया, तो ये मनमानी है। उसके खिलाफ हम लोग जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से आग्रह करेंगे कि साहब आप लोग जो है अधिवक्ताओं पर ध्यान रखते हुए, अधिवक्ताओं की दशा को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का और बिहार सरकार के गाइडलाइन को निर्देशित करते हुए न्यायालय को जो है वर्चुअल मोड में या फिजिकल मोड में कार्य करने का आदेश दें, अन्यथा जो है हम लोग मजबूर हो करके सड़क पर आ जाएंगे और कार्य करना शुरू कर देंगे। आज आप देखिए जजेज की गाड़ी आई हुई है, प्रशासन के लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, अधिवक्ता क्यों नहीं अंदर जाएंगे? अधिवक्ता क्यों कार्य से वंचित रहेंगे? तो हमारा कहना यह है कि हमारा अपने संघ के पदाधिकारी जो हैं उनसे भी लड़ाई है इस बात की कि बिना कोई मीटिंग किए हुए, बिना कोई सभा किए हुए अगर आप अनर्गल मीडिया में या न्यायालय में देते हैं उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों की किसी से लड़ाई नहीं है और हम लोग विद्वत समाज के लोग हैं, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि नहीं भारत का कल्याण हो, बिहार का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, लेकिन इसमें जनता जो है पीछी जा रही है, अधिवक्ता पीछे जा रहे हैं। आज तक कोरोना काल में संघ को चाहिए सब सर्वप्रथम कि ये जो है जितने भी हमारे युवा अधिवक्ता हैं उन लोगों को अपने कोष से, अपने फंड से जो है राहत देता ताकि उन लोगों का घर जो है बढ़िया से चल पाता। स्थिति क्या है, आप बैठे बैठे घर में क्या, तो वर्चुअल मोड में हम लोग किए। यहाँ पर एक हैं संयुक्त सचिव हमारे अजय कुमार सिंह, जितेंद्र बाबू हैं कार्यकारिणी के सदस्य, इन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों को बुलाया नहीं गया और लेटर में लिख दिया गया कि 30 तक कार्य स्थगित रहेगा। तो एक व्यक्ति जो है निर्णय नहीं ले सकता और संघ का जो है कोई मालिक नहीं होता। मुख्य मांग क्या है आप लोग? हम लोगों का मुख्य मांग है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न्यायालय का कार्य शुरू किया जाए ताकि जितने भी लिटिगेंट्स हैं उन लोगों के साथ न्याय हो सके। मेरा नाम हुआ रामनाथ ठाकुर, मैं पूर्व महासचिव अधिवक्ता संघ बक्सर। Thank you.